एवरीवन, वेलकम बैक एट लिव सिंपली विद संगीता। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू गिव अ न्यू लाइफ टू द थिंग्स विच आर नॉट इन यूज और इन वेरी बैड कंडीशन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टेबल। दिस इज अ वेरी ओल्ड टेबल ऑफ अस एंड इट्स इन वेरी बैड कंडीशन। जगह जगह से ये देखिए फट चुकी है, बहुत ही गंदी हो चुकी है इसकी सनमाइका। तो मेरा मन था इसको एक नया लुक देने का ताकि इसको हम यूज़ में रख सकें। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो, देखते हैं किस तरह से देते हैं इसको एक नई लाइफ। ये देखिए मेरे पास है कि वॉलपेपर, स्टिकर वॉलपेपर है, ये स्टोन लुक का है। ये इस तरह से लुक आती है जैसे कोई स्टोन है। तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ इस टेबल को एक नई लाइफ देने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चेक कर रही थी किस तरफ से इसको लगाऊँ ताकि कम से कम जोड़ आए। तो डिसाइड हुआ लास्ट में कि सीधा स्ट्रेट ही मैं इसको लगाती हूँ। थोड़ा सा हालांकि वेस्टेज होगा साइड से, बट इट्स ओके। और ये करना इतना आसान नहीं है जितना ये लगता है। थोड़ा सा अगर आप साथ में किसी की हेल्प ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले मैंने कट कर लिया था मेज़र करके जितना मुझे ऊपर के सरफेस के लिए ज़रूरत पड़ने वाली थी। साइड की एजिस को भी मैं कवर करने वाली थी इसी से। तो ये देखिए इस तरह से स्टिकर की तरह ये उतर जाता है। बेटर होगा आप किसी की हेल्प लें, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में खुद से लगाना ट्राई किया और थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी जो भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही ध्यान से और आराम से पेशेंस के साथ इसको लगाना होता है क्योंकि इसका एडेसिव काफ़ी स्ट्रोंग है। अगर एक बार चिपक जाता है तो उतरता नहीं है आसानी से। आई वॉज डूइंग इट ऑल अलोन। तो हल्का सा देखिए इसमें हवा का छेद भी रह जाता है तो फिर वो हटता नहीं है। थोड़ी सी लाइन आ गई थी इसके अंदर। देन आई कॉल्ड माई डॉटर और फिर मैंने उसकी हेल्प से इसको किया, फिर थोड़ा सा आसान हो गई थी चीज़ें। जैसे जैसे आप इसको लगाते जाते हैं वैसे वैसे सारे एयर बबल निकालते जाएं, बहुत आसान हो जाता है फिर इसको लगाना। ये देखिए उसके बाद ये परफेक्टली लग गया था। ये देखिए अब साइड से इस तरह से आपको किनारों को कट करके अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप जिस भी सरफेस पर इसको अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल ही क्लीन होना चाहिए। अगर ज़रा सी भी धूल मिट्टी या कुछ भी है, रफ़ सरफेस है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ये प्लेन सरफेस पर ही अच्छे से चिपकता है। तो चीज़ों को पहले अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद ही इसको आप अप्लाई करें। ये देखिए ये लाइंस जो मैं बता रही थी आपको हल्की सी आई थी, बट ओवरऑल इट वाज वेल। तो मुझे लगाना था नीचे के सरफेस पे, पहले मैंने कट कर लिया था इसको चिपकाने से पहले। जहाँ से भी किनारे आने वाले थे उनको अच्छी तरह से कट कर ले पहले ही आप चिपकाने से। अभी मैंने स्टिकर उतारा नहीं था इसका पीछे से। ये देखिए अब धीरे धीरे वही सेम मैं बोल रही हूँ, किसी की हेल्प लें साथ में आप, और आराम आराम से धीरे धीरे बड़े ही पेशेंस के साथ इसको लगाना होता है। काफी अच्छा लग रहा था ये लगने के बाद। ये देखिए अब ये आ रहा था टेबल का नया लुक। पहले आपने देखा था किस तरह की लग रही थी टेबल, और अब देखिए बहुत ही अच्छा स्टोन लुक आ रहा था। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि क्या मैं इसकी लेग्स भी ऑफ वाइट कलर में पेंट करूं क्या, या ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये ऐसे ही ठीक लग रहा है। प्लीज़ अपने कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, शुड आई पेंट इट्स लेग और नॉट। तो ये देखिए ये था इसका शाइनी लुक, बहुत ही प्यारी लग रही थी टेबल। लग ही नहीं रहा था ये वही पुरानी टेबल है। तो एक बार फिर से एक नई लाइफ मिल गई थी इसको। बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आई है एंड माय सन वाज एंजॉयिंग इट। ये देखिए ये था इसका बिफोर लुक एंड नाउ दिस इज द आफ्टर लुक।
प्लीज़ कमेंट बिलो इफ़ यू लाइक इट दिस आइडिया। और जो नेक्स्ट DIY है वो है हमारा, ये देखिए कार्डबोर्ड बॉक्स है, ये मैं बनाने जा रही हूँ किचन ऑर्गेनाइज़र। बहुत ही सिंपल है, बस ये जितनी भी इसकी साइड की एजेस है इनको कट कर लेंगे हम, और जो टॉप की एज है इसको हम बचा के रखेंगे क्योंकि इससे हम बनाएंगे बेस। ये देखिए इसी के से बचा हुआ, टेबल से बचा हुआ पेपर मैं यूज़ करने वाली हूँ इसको बनाने के लिए। इसको आप थोड़ा सा स्लेंटिंग पोजीशन में कट कर लें और उसके बाद बस आपको ये स्टिकर लगाना है इसके ऊपर। आपको अभी दिखाई देगा कि किस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कट किया है ताकि आपका जो स्पाइस रैक है वो अच्छा सा बने। बड़े ही ध्यान से इसको चिपकाइए, एक बार चिपकने के बाद उतरता नहीं है ये। देखिए थोड़ा सा टेढ़ा मैंने कट किया है ताकि एक तरह से जगह बन जाए आपके बॉक्सेस को उठाने के लिए। इसी तरह से हम अंदर की तरफ भी स्टिकर लगा देंगे। अब जो हमने इसका टॉप कट करके रखा था उसको हम यूज़ करेंगे बेस बनाने के लिए, उस पर भी हम इस तरह से स्टिकर लगा देंगे। एक आपका ये पूरा स्टर्डी सा किचन ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाता है। तो पुरानी रखी चीज़ों को इस तरह से आप यूज़ करके अपनी किचन में ऑर्गेनाइज़र क्रिएट कर सकते हैं, आपको ख़रीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था, अंदर की तरफ भी मैंने स्टिकर लगा दिए हैं इसमें। अब इसके अंदर डाल देंगे ये बेस, एंड नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक। अब इसके साथ ही मैं बनाने वाली हूँ, ये देखिए बटर पेपर जो मैं यूज़ करती हूँ इसको यूज़ करके भी मैं एक स्पाइस रैक बनाने वाली हूँ, सेम एज इट इज़ द किचन ऑर्गेनाइज़र। साइड के किनारों को अंदर ही स्टिक कर दिया था मैंने, और यहाँ मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला वॉलपेपर। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, और आप कितना भी DIY करके अपनी चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। ध्यान से लगाना होता है इनको, और बहुत इजी है इनको लगाना अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो। आप ये देखिए एक साइड पर मैंने लगा दिया था। इनका बेनिफिट यही है कि आपको कुछ भी फेविकोल यूज़ नहीं करना पड़ता, ये डायरेक्टली ही स्टिक हो जाते हैं। ये देखिए दूसरी साइड पर भी इसी तरह लगा देंगे हम। उसके बाद बनाना था इसका भी सेम बेस, जो मैंने कैप कट करके रखी थी उसी को मैं लगा दूंगी स्टिकर से। चीज़ों को एकदम फिर से नया लुक देना इस तरह से मुझे बहुत पसंद है। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये आइडिया, कोई ना कोई आपके पास भी कार्डबोर्ड बॉक्स रखा ही होता है। ये देखिए अब इसका बेस अंदर डाल देंगे और ये कि छोटा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया है हमारे पास। जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं किचन में इधर उधर ना बिखरे, उनके लिए स्पेशली ख़रीदने की बजाय इस तरह के ऑर्गेनाइज़र हम घर पर ही क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े दो बॉक्स आराम से रखे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको थोड़ा सा टेढ़ा कट किया था ताकि आराम से आप निकाल सके चीज़ों को। नाउ इट्स लुकिंग वेरी नाइस एंड गोइंग वेरी वेल विद द माय किचन डेकोर। कलर इज़ परफेक्ट, और ये वाटर रेजिस्टेंस भी है, तो आप इसको क्लीन भी कर सकते हैं, गीले कपड़े से वाइप ऑफ भी कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि ये डर्टी है। सेम इसी तरह ये हो गया हमारा छोटा सा स्पाइस रैक रेडी। इसके अंदर ही आप इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस रख सकते हैं, इधर उधर फैलने की बजाय एक ही जगह पर रहेंगे आपके बॉक्सेस, और दिखने में भी आपकी किचन में बहुत अच्छा लगता है। तो जैसी भी आपकी किचन का डेकोर है आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आइडियाज़ आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।